कि हमारा कॉलेज 1913 में स्थापित हुआ था। इसको यहाँ चौक के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो कि वाजिद अली शाह के साथ वजीर थे, जिनका नाम लाला कालिदास कपूर था। तो उन्होंने इसको स्थापित किया था और उनका पर्पज ये था कि इस इलाका जो चूँकि पिछड़ा है, गरीब लोगों का है, तो उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। तो उस समय जो उन्होंने स्थापित किया था वो खत्री पाठशाला के नाम से। उसके बाद धीरे धीरे इसका अपग्रेड होता गया, ये इंटरमीडिएट किसकी मान्यता मिल गई। और उन्होंने उस समय 1913 में करीब 1,00,000 चांदी के सिक्के पटना के गवर्नमेंट बैंक में, स्टेट बैंक में जमा कराए थे। वो कन्वर्ट होकर के आज भी हमारे ट्रस्ट में आते हैं। उसका जो ब्याज वगैरह होता है वहाँ पर मिलता है, भले ही वो नॉर्मल हो लेकिन एक रिस्पेक्टेड है। ये हमारे कॉलेज का इतिहास है और इसमें पहले जो प्रधानाचार्य यहाँ के थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। देखिए, इन बच्चों को हम कोशिश करते हैं, उनके घर जाते हैं, हमारे कॉलेज के टीचर्स की टीम जाती है, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आइए। यहाँ तक कि हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि अगर वो बच्चे इस हालत में नहीं हुए पैसे देने के तो हम लोग उनकी फ़ीस भी भर देते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग अपनी लीग से हट कर भी उन बच्चों से कह देते हैं कि अगर आफ्टर कॉलेज आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो पूछ लो। जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद हर स्तर पर मेहनत करते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा यहाँ पर फील्ड पर पढ़ रहा था, किताब लिए, बाकी सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो उसने कहा ऐसा है कि हम जितनी देर यहाँ पढ़ पाएंगे उतना ही टाइम मुझे मिलेगा, क्योंकि बाकी का टाइम मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया। हमने कहा तो बजाय वहाँ बैठने के यहाँ आकर के मुझसे पूछो। आज उस बच्चे का ये आलम है, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, सेल्फ डिपेंड हो गया। इस तरीके से 2-4 बच्चों को मैंने देखा कि जो बहुत गरीब थे और मेरे पास अगर वो आए या मैंने जाना तो मैंने उसकी मेहनत पर ध्यान दिया, और आज ये स्थिति है कि बच्चे बहुत अच्छी जगह पर हैं। अगर इस तरीके से हर आदमी करेगा तो जाहिर है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। एजुकेशन हमारी नज़र में एक मिशन है, व्यवसाय नहीं। जैसे ही हम लोगों के जो कॉलेज हैं जिनको माध्यमिक कॉलेज कहा जाता है, इनको जिन लोगों ने इस्टेब्लिश किया उन लोगों का ये ख्वाब था कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, समाज के उस तबके के बच्चे आएंगे जो इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो टीचर्स को हाईली क्वालिफाइड रखते थे। गवर्नमेंट भी आज सरकारी कॉलेजों में हाईली क्वालिफाइड, इवन IAS की भी वो क्वालिटी नहीं होती है जो हम टीचर्स की क्वालिटी होती है। IAS BA BSc उस ग्रेजुएशन हो सकता है, लेकिन एक टीचर PG होना जरूरी होता है, ट्रेंड होना जरूरी होता है। तो हम लोग अपने बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं इन कॉलेजों में ये बच्चे आगे जाएं, इसके लिए हम लोग पूरी एनर्जी अपनी लगा देते हैं। ये पहल आप लोगों ने बहुत अच्छी की, हम इसका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग अगर बड़े बड़े स्कूलों में तो सभी चले जाते हैं। आप लोग ऐसे स्कूल में आए हैं कि जहाँ की बच्चे लोअर कैटेगरी से आते हैं, मतलब तो इकोनॉमिकली, उन बच्चों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो तो बहुत कम है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। आई एम ऑलवेज विद यू, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके पास यही एक धरोहर होगी। वो जो पुराने सिस्टम से वो बहुत ख़राब बेकार हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोअप हो चुकी है, डिमांड्स इतनी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हो चुकी हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग रखेंगे तो हमारे बच्चे उस ग्लोबल नीड्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वी शुड डिजिटलाइज एजुकेशन, इट्स मस्ट।